हेलो एवरीवन, आज की जो रेसिपी बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना मैंने चनों को रात में भिगो दिया था। अब मैं आपको इसे मुट्ठी से डाल रही हूँ लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कितना डाल रही हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, फिर से डाल के बताती हूँ। 2 कटोरी भिगोए हुए चने हैं। ये चनों को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, उसकी वजह से अच्छे से फूल चुके हैं और ये अब तैयार हो गए। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला। मतलब थोड़ा मीन्स हल्दी तो कलर के लिए डाला जाता है, आपको पता ही है। नमक और ये मिर्ची, ये सब अपने स्वाद के अनुसार डालते हैं। जितना आपको स्वाद में चाहिए बस वो डालेंगे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम पनीर। 200 ग्राम पनीर के साथ इसको मैंने अच्छे से सूखा सूखा सा पीस लिया है और उसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया है अलग डोंगे में। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम बना लेते हैं इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ। तो यहाँ पे गाइस आपको किसी और चीज़ को लगाने की ज़रूरत, इसमें डालने के लिए ये खुद से अच्छे से बाइंड हो जाएगा। इसमें कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लेक्स कुछ भी नहीं डालना है, ना ही बेसन डालना, ना मैदा, कुछ नहीं। सिर्फ 2 ही चीज़ों से ये तैयार हो रहा है, चना और पनीर। तो इनकी छोटी छोटी सी टिक्की तैयार कर लिए मैंने। अब इसको हम कर देंगे पैन में, इसको हम धीमी आंच में सेक लेते हैं। तो हल्का सा ऑयल लगा रहे हैं इसमें, जो कि इससे नीचे जो ग्रीसिंग कर देंगे जिससे कि ये ना चिपके। वैसे ये नहीं चिपकेगा क्योंकि खुद से ही उस पर पनीर में थोड़ा सा ऑयल सा रहता है ना, इसकी वजह से वो अच्छे से निकल जाएगा। पर फिर भी हम थोड़ा सा हल्का सा ऑयलिंग कर दी मैंने। अब इस टिक्की को इसमें डाल दे रही। अभी शेप इसका थोड़ा सा इसलिए बिगड़ गया कि उठाने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अभी अपने आप ही इसका शेप ना ब्राउन आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही ईजी है और जल्दी भी बन जाता है। बस ये है कि आपको चने को थोड़ा सा भिगो के रखना पड़ेगा और उसके बाद इसको हमने यहाँ पर डाल दिया। अब बहुत धीमी आँच में इसको हम सेक लेते हैं। हल्का सा ऑयल ऊपर से फिर मैंने इसलिए डाल दिया कि जल्दी से हो जाए। अगर आपको जल्दी है तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल के करिए, नहीं तो ये विदाउट ऑयल भी बहुत अच्छे से पक जाता है। तो गाइस बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अब इसको क्या करते हैं, पलट लेते हैं। पलटने के बाद आपको दिख रहा होगा हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसको हमने एक बार पलट लिया, अब हम इसको कर देंगे कवर। कवर इसलिए कि स्टीम से भी अच्छे से कुक हो जाएगा और हमारी जो रेसिपी है अंदर तक कुक हो जाएगी और बढ़िया सा स्वाद देगा। दोस्तों ऐसी रेसिपी आपने कभी नहीं खाई होगी, ये एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको बस चने को भिगो के रखना होगा, बाकी सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम चीज़ों में है। तो इसमें मेन तो है चना और पनीर। तो दोस्तों ये हम पलट चुके हैं, इसको दोबारा एक बार फिर से पलट लिया, फिर इसको कवर कर लेंगे। जब तक आपको ये नहीं लगे कि ये अच्छे से रोस्ट सा कुरकुरा सा हो गया। तो गाइस हो गया तैयार, बातों ही बातों में हमारी रेसिपी हो गई तैयार। अब इसको सर्व करते हैं। तो गाइस बहुत 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 ही ज़्यादा हेल्दी है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और फटाफट जाइए भिगो डालिए चना, कल बना लीजिए रेसिपी मस्त सी। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करते चाहिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह के हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। दोस्तों सब्सक्राइब कर डालिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताइए कैसा बना है भाई? भाई कैसा बना है बताओ, कैसा है? सही। वाओ।